हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ आज हमारे साथ है नेतीज स्किन हेयर और नेल क्लिनिक एमडी और चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर साई प्रशांत नेदी जी चलिए उससे बात करते हैं नमस्कार डॉक्टर प्रशांत नेति जी कैसे हैं आप आई एम बिल्कुल ठीक हूं मैं बढ़िया शुक्रिया पूछने के लिए तो डॉक्टर जी अब जेंट्स में ये हेयर फॉल के बारे में हम बात करते है तो ज्यादा लोगों को हम आजकल देख रहे हैं ये टेंशन और स्ट्रेस से ज्यादातर हेयर फॉल हो रही है और ओ आई देखते देखते बॉल हेड भी हो जा रही है अर्ली एजेस में तो इसका ट्रीटमेंट कैसे रहते हैं आपके पास सो so, आजकल जो हेयरफॉल का इंसिडेंस है एंगिजेस में भी हो रहा सो so, इसका रीज़न मोस्टली स्ट्रेस और डाइटरी हैबिट्स भी हो सकते हैं पर हेयरफॉल का रीज़न पहले पहचानना चाहिए सो so, वो जेनेटिक फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स के साथ अगर डाइट ठीक नहीं है या स्लीपिंग टाइम्स ठीक नहीं है या स्ट्रेस ज़्यादा है और हैबिट्स क्या है वो भी देखना चाहिए सो मोस्ट कॉमन मेल्स में जेनेटिक फैक्टर्स ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जैसा फादर बाल्ड है या ग्रैंड फादर बाल्ड है नहीं तो मामू बाल्ड है okay. उसके हिसाब से अगर पर्सन अनलक्की है तो ग्रैंड को हो सकता बाल्डिंग और सीधा

पर वी है टू एंट द अंडरलिंग फैक्टर जैसे विटामिन डेफिशिएंसीज है उसको भी ट्रीट करते हुए इसको ट्रीट करेंगे जैसे सीरम हेयर सीरम्स भी बहुत सारे हैं मार्केट में अच्छा काम करने वाले सो so, और मिनोक्सिल सीरम्स मिनोक्सिल बेस्ड सीरम्स उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशनस आते हैं सो so, वो पर्सन स्पेसिफिक है पर्सन स्पेसिफिक इंडिविजुअल सीरम्स दे वी कैन ट्रीट हिम और uh, इसके साथ जैसा थोड़ा जैसा और नेक्स्ट स्टेज में आया उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ पीआरपी आर पी पेटलेटरिमा और जीएफसी ग्रोथ फैक्टर ग्रोथर ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा और ज्यादा लास्ट स्टेज में आया उनको ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते अच्छा तो डॉक्टर तो जो लोग लो लास्ट स्टेज पे आपके पास आते हैं है, तो उन लोगों के हेयर रीग्रोथ होना का चांसेस नहीं रहेगा सिर्फ वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन ही बचेगा रीग्रोथ होने का चांसेस रहते हैं पर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा वो ज्यादा गने बाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेशेंट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी होगा और ज्यादा घने बाल चाहिए लास्ट स्टेज में आए हाँ। उनको पीआरपी भी कर सकते हैं पर कितना बाल वो चाहते हैं अगर घने बाल थोड़ा, अगर घने बाल चाहिए तो तो ट्रांसप्लांटेशन के साथ पीआरपी और जीएससी भी करना पड़ेगा कितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करेंगे ओके अगर नहीं ज्यादा गने बाल नहीं नॉर्मल बाल ठीक है तो नॉर्मल बाल भी जैसा लास्ट स्टेज में आया हाँ। तो उसके हिसाब से होगा थोड़ा भी बच गए हे, कैसा है थोड़ा भी थिन हेयर्स है? है वैसा है या पूरा प्लेन नहीं है एज कितना एज आ, कितना है उनका और आ, उनका हैबिट्स कैसा है तो वो पूरा ओवरऑल थ्री सिक्सटी डिग्रीज व्यू देख के ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अच्छा ओके शुक्रिया थैंक यू थैंक यू